एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मैडम मुझे डॉक्टर मकवाना ने भेजा है, ये आपके बच्चे की दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब खुद नहीं आए? मैडम वो बिजी हैं इसलिए मुझे भेज दिया। इसका बुखार तो कम होता ही नहीं है, बार बार लौट आता है। हाँ मैडम मैं जानता हूँ, इसीलिए तो दवाइयाँ साथ में लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये वाली आप दिन में दो बार दे दीजिए, और ये लाल वाली दिन में 3 बार दे दीजिए, और ये सिरप रात को सोते वक्त सिर्फ 1 बार, ठीक है? जी। प्रिया। जी मामा। कौन आदमी है और यहाँ पे क्या कर रहा है? मम्मी ये डॉक्टर मकवाना के कंपाउंडर हैं, सूरज की दवाइयाँ लाए हैं। अरे हमारे यहाँ कंपाउंडर कब से आने लगा भाई, डॉक्टर खुद क्यों नहीं आए? और तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, कौन है तुम? जी जी मैंने अभी ज्वाइन किया है मैडम। अरे ये क्या मजाक है, तुमने अभी ज्वाइन किया है तो तुम कौन सा इलाज कर सकोगे सूरज का? और अगर डॉक्टर साहब खुद नहीं आ सकते थे तो हमें फोन कर देते, हम सूरज को लेके चले आते वहाँ पे। अब मैं क्या बताऊँ मैडम, आप डॉक्टर से खुद ही पूछ लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते मैडम। हेलो डॉक्टर मकवाना जी, मैं उर्मिला कोठारी बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी, आपने किसी कंपाउंडर को भेजा था हमारे यहाँ? राइट, हाँ बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब किसी कंपाउंडर वंपाउंडर को नहीं भेजा था यहाँ। तो इसे किसने भेजा था? ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे बाहर आ गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने तुम लोगों से कहा है कि सावधान रहो, तुम इस बात को लाइटली मत लो प्रिया, नहीं तो हमें बहुत बुरी तरह से पछताना पड़ेगा किसी दिन। और जाके अपने पापा से भी ये बात कह दो, समझी तुम? और हाँ, जो दवा मैं लाई थी वही सूरज को देना। शाम को मैं सूरज को लेके खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास। ये बकुल ने सूरज के साथ फिर ऐसा किया, ये दूसरी बार, अब तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो क्या कर रही है उर्मिला, तुझे तो बकुल की चालों का जवाब देना है।